नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड फिल्मों को बॉयकॉट करने का चलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में इस बॉयकॉट का शिकार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन बनी है। ये दोनों ही फिल्में वैसे तो सिनेमा घरों में रिलीज हो गई, लेकिन इनका बॉयकॉट सोशल मीडिया पर रिलीज से पहले ही शुरू हो गया था। दोनों ही फिल्मों के बॉयकॉट का असर इनके कलेक्शन पर भी देखने को मिल रहा है। अब इसी बॉयकॉट ट्रेंड में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी नाम शुमार हो गया है। बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान साल 2023 में रिलीज हुई। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी से फिल्म का बॉयकॉट शुरू हो गया है। ट्विटर पर बॉयकॉट पठान और थ्रो एसआरकेतु पाकिस्तान तेजी से ट्रेंड हो रहा है। रिलीज से पहले ही फिल्म के बॉयकॉट को लेकर मेकर्स भी काफी परेशान है। वैसे तो अभी तक शाहरुख खान की फिल्म के बॉयकॉट का कोई कारण सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने जेएनयू जाने वाले मामले को लेकर लोगों में गुस्सा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो शाहरुख को इसलिए भी बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख का कैमियो दिखाया गया है। हाल ही में खबर आई थी कि आमिर ने कुछ दिनों पहले मन्नत में शाहरुख खान को अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा दिखाई थी और इस दौरान उनकी बात भी हुई। साथ ही शाहरुख ने लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के काम की भी तारीफ की थी। अब इन सभी बातों को लेकर लोग शाहरुख पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं और लाल सिंह चड्ढा की तरह ही पठान का भी बॉयकॉट कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल कट्टर हिंदू टू शो द हैशटैग बॉयकॉट पठान। दूसरे यूजर ने लिखा है, लिविंग इन इंडिया बट सर्विंग पाकिस्तान साइलेंटली मूड ऑफ द नेशन थ्रू एसआरकेतु पाकिस्तान टाइम हैज नाउ कम टू बॉयकॉट पठान, जय हिंद। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, कमिंग सून बॉयकॉट पठान आफ्टर सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर बाय बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है, लाल सिंह चड्ढा इज अ टैबलू, हकलेस पठान इज लेफ्ट आमिर खान और तैमूर अम्मी हैव कम टू टेस्ट, नाउ इट इज द टर्न ऑफ हकलेस पठान फिल्म, सनातनियों पठान शुड ऑल्सो बी अ सुपर फ्लॉप। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा है, थ्रू एसआरके टू पाकिस्तान विथ अ लिटिल मोर एफर्ट थ्रू एसआरके टू अफगानिस्तान बिकॉज ही इज पठान। भाई एक और यूजर ने लिखा है, आई सपोर्ट दिस ट्रेंड थ्रू एसआरके टू पाकिस्तान विथ ड्राइवर क्रिमिनल सलमान खान एंड आमिर खान ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा है, यस सर बॉयकॉट बोर्ड विथ सेम फेसेस ओवर एंड ओवर अगेन, दिस इज गोइंग टू बी अनदर ओवर एक्टिंग पोअरली डायरेक्टेड। तो देखा आपने, लोग शाहरुख खान की पठान को लेकर किस कदर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और शाहरुख को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म पठान में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा, डिंपल कपाड़िया और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म से शाहरुख और दीपिका पादुकोण का लुक सामने आया था जो कि काफी वायरल हुआ था। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही शाहरुख की ये फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी। खैर, दिखने वाली बात तो अब ये होगी कि शाहरुख की पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है।